अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। एक मिनट वेट कीजिए, कुछ मज़ीद स्टूडेंट्स आ जाएँ तो फिर हम अटेंडेंस लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी आप मुझे सुन सकते हैं ना? Yes, सर आपकी वॉइस बहुत लो है। ठीक है, वो क्लियर हो, ठीक हो जाएगी। आप जो बताएं, सुन आवाज आ रही है ना आपको मेरी? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है, लेकिन बहुत स्लो आ रही है। एक मिनट वेट कीजिए, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। जितने में मजीद स्टूडेंट जो हैं वो भी ज्वाइन कर लें हमें, तो फिर हम अटेंडेंस लेकर स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिकंदर हफीज कौन है? यस सर मैं हूँ। यार सिकंदर, आपको मैं मुंह से दोबारा नाम लेकर कहूंगा तो फिर आपको समझ लगेगी। मैं आपको कितनी दफा कह चुका हूँ और जनरल वे में कई दफा कह चुका हूँ कि आपकी जो ये प्रोफाइल की पिक्चर्स होती हैं ये आपकी पर्सनालिटी को शो कर रही होती हैं। सर मैं अभी लॉगिन हुआ तो मैं अभी चेंज करता हूँ। आप तो अभी लॉगिन हुए हैं, लेकिन मैं तो ये पिछले 3-4 लेक्चर से कह रहा हूँ कि आपकी जो पिक्चर्स हैं वो प्रोफाइल को शो कर रही होती हैं। जो आप लॉगिन करते हैं उसमें जो पिक्चर लगाते हैं वो आपकी प्रोफाइल को शो कर रही होती हैं। अब आप मैच्योर हो रहे हैं, अब आप स्टेज में नहीं रहे बच्चों वाली स्टेज में। ठीक है सर, प्रोफाइल पिक्चर काइंडली चेंज करें इसको। ठीक है, ये जनरल वे में बताने का मतलब ये होता है कि किसी का नाम मुझे ना लेना पड़े। ठीक है सर। ठीक है ओके जी स्टूडेंट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और फिर मैं अटेंडेंस लेता हूं। ओके सर। ओके स्टूडेंट्स, आपको आपकी अटेंडेंस शीट नजर आ रही है ना? यस सर। ठीक है, अब्दुल रहमान मलिक प्रेजेंट सर। अब्दुल साजिद प्रेजेंट सर। एहसन रऊफ प्रेजेंट सर। आलमगीर खान। आतिफ अली प्रेजेंट सर। बुरहान मुजफ्फर सर। दानिश खालिद प्रेजेंट सर। फरहान जावेद यस सर। हमजा राशिद मलिक। हमजा राशिद मलिक। हसीब सलमान खान। हसीब सलमान खान। मलिक मोहम्मद यूसुफ प्रेजेंट सर। मुदस्सर रियाज। मुदस्सर रियाज सर उसके नेट का इशू बन रहा है क्लास। मोहम्मद अमार सईद प्रेजेंट सर। मोहम्मद अरसलान शाहिद। मोहम्मद अरसलान शाहिद। मोहम्मद फरहान यस सर। मोहम्मद फजील अथर। मोहम्मद फजील अथर। मोहम्मद फैजान प्रेजेंट। मोहम्मद हमाद यस सर। मोहम्मद रमीज तारिक यस सर। मोहम्मद रिजवान जावेद यस सर। मोहम्मद सलमान जुबैर यस सर। मोहम्मद जुबैर अब्बास
प्रेजेंट सर। मुनीब खान। प्रेजेंट सर। सरफराज जफर। यस सर। शहवार अहमद। प्रेजेंट सर। सिकंदर हफीज। यस सर। सैयद जुनेद मुनव्वर शाह। यस सर। सैयद कामरान अली। प्रेजेंट सर। सैयद मोहम्मद अली रजा काजमी। यस सर। तलहा फारूक। अच्छा तलहा फारूक। तलहा फारूक तलहा भी मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हुआ है अभी अभी। उस्मानुल हसन चिश्ती। प्रेजेंट सर। इसमें सर मोहम्मद फजील अथर प्रेजेंट है। मोहम्मद फजील अथर ठीक है। इसके अलावा और कोई स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई अभी तक? कोई स्टूडेंट नहीं है मजीद? ठीक अब मैं इंडस्ट्रियल या सिविल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अटेंडेंस ले रहा हूँ तो लेक्चर ऐड कर लूँ आज का। जी गुलशेर। यस सर। इरफान अदरीस। प्रेजेंट सर। राया अली अब्बास। प्रेजेंट सर। सदब सजाद। प्रेजेंट। ठीक है ठीक है मैं अटेंडेंस सेव कर लूँ और लॉग आउट कर लूँ उसके बाद फिर जो है मैं स्क्रीन शेयर करके दोबारा जो है वो आपसे लेक्चर्स की तरफ आऊँगा। तो स्क्रीन शेयर अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि लास्ट टाइम जो फंक्शन हमने किए थे वो आपको कुछ समझ आए थे उसके? जी यस सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बेटा। सर कल रात मैंने एलएमएस चलाया था तो वो उसके फिजिक्स के लिए तो मैंने वैसे प्रोग्राम ही खोली तो उसके ऊपर आपने कोई आई थिंक असाइनमेंट से अपलोड की हुई है कोई वॉच करके वो क्या चीज है? तो वही असाइनमेंट है ना जो मैं आपको कह रहा हूं कि आपने 31 डेट रखी है ना मैंने सर आपने हमें तो बताया कोई नहीं था इनमें सर 28 रखी है लास्ट डेट 28 नहीं सर आपने हमें बताया 28 है सर आपने हमें तो नहीं कोई बताई असाइनमेंट कब बताई कोई बात नहीं जब ये मूडल पे आ जाए ना तो इसका मतलब वो आपको बता चुकी जा चुकी है ये मूडल इसीलिए है कि मूडल इसीलिए होता है कि अगर कुछ चीजें क्लासरूम में अगर नहीं कन्वे हो पाई तो मूडल उसको यूज कर ले। और ये 5 से 10 मिनट समझाया था आपको लूप्स की मदद से और उस क्लॉक में 3 चीजें होंगी। एक होगा आपके पास आवर वाला में ठीक है क्लॉक कैसे होती है लेट्स से मैं यहाँ पे अगर अभी स्लाइड में वो करूँ ठीक है जूम हो गए हैं स्लाइड ठीक है स्लाइड जूम हो गई है ना बच्चों तो क्लॉक आप जब वो घड़ी पहनते हैं हाथों में तो कैसे ये अगर 2:40 और 51 सेकंड हो गए हैं 2:40 और 51 सेकंड तो ऐसे लिखा हुआ आता है ना बेसिकली क्लॉक पे ठीक है ना तो ये आवर होते हैं क्लियर हो गया यस सर ठीक है ये मिनट्स होती हैं ये है। आपके पास सेकंड्स होते हैं ऐसे ही और सेकंड्स yes, जो होता है वो इंक्रीज करता रहता है 52 ठीक है अगली दफा आपको ये नजर आएगा 2:40:52 ठीक है 2:40:52 फिर उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ नजर आएगा 2:40:53
तो इस तरह क्या होता है कि सेकंड्स का काउंटर होता रहता है, जब 59 काउंटर सेकंड के हो जाते हैं तो 60वें काउंटर पे फिर क्या होता है, दोबारा आपके पास क्या हो जाएगा, मिनट का एक काउंटर हो जाता है, तो 41 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ऐसे ही है ना, आपने ना इस तरह की वॉच बनानी है, क्लॉक बनानी है वॉच, ठीक हो गया, लूप्स की मदद से। अब देखें होगा क्या, ये आवर है ना, आवर के अंदर क्या होता है, मिनट्स होते हैं, ठीक है, और मिनट्स के अंदर क्या होते हैं आपके पास, मिनट्स के अंदर आपके पास सेकंड्स होते हैं, ठीक है। इसका मतलब बनाने कहां तक है, मतलब कि कौन से टाइम तक, वो जाहिर बात है वो आप लिमिट देंगे कहां से कहां तक देंगे। अच्छा मैं बताता हूँ वो लिमिट, बताता हूँ एक मिनट ठहरें। आवर के लिए एक लूप लगेगा, ठीक है, और आवर के अंदर मिनट है तो मिनट के लिए एक लूप लगेगा, वो किसके अंदर जाएगा, वो आवर के अंदर जाएगा, आवर के अंदर जाएगा सर। और इसी तरह जो मिनट के अंदर सेकंड है तो मिनट के अंदर एक और लूप लगेगा, तो वो सेकंड वाला लूप होगा वो किसके अंदर जाएगा, वो मिनट के अंदर जाएगा। यानी एक मेन लूप होगा आवर वाला, ठीक है, ये आवर वाला मेन लूप है, उसके अंदर मिनट वाला लूप है, ठीक है, और उसके अंदर कौन सा सेकंड वाला लूप है, तीन लूप्स लगेंगे। ये हिंट दे रहा हूँ मैं असाइनमेंट के, ठीक हो गया। और अब आपको पता है ये कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए इसकी रेंज, तो आवर स्टार्ट होते हैं जीरो से 24 तक, जीरो से स्टार्ट करो ना, तो 24 तक नहीं जाएंगे, और ये जीरो 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 से स्टार्ट होंगे 23, ठीक है, 59 कॉलन 59 कॉलन 59, फिर अगर एक मिनट एक सेकंड और होगा तो 60 हो जाएगा, तो 24 पे चला जाएगा 59, ठीक है ना। और फिर उसके बाद दोबारा जब ये काउंटिंग पूरी हो जाती है सारी, ठीक है, तो फिर 00 आ जाता है ना इसके बाद दोबारा, फिर ऐसे ही है ना। तो आपने इस तरह लूप बनाने, ठीक है, ये असाइनमेंट आपकी कि आपने इस तरह से जो है ना एक क्लॉक बनानी है, उस क्लॉक की कोडिंग जो है आप मुझे जो है वो सेंड करेंगे MS वर्ड फाइल में, और उस कोडिंग को रन करता हुआ जो स्क्रीनशॉट लेंगे वो भी आप मुझे मेल करेंगे, ठीक हो गया, क्लियर सर। LMS सेंड कैसे करेंगे, क्या है इसकी असाइनमेंट की, वो LMS पे लिखी हुई है, मतलब 28 है या 28 है सर, मैंने अभी देखी है। हाँ 28 है, और ये किसी स्टूडेंट ने कहा था सर आप हमें कम से कम 12 दिन दें, मैंने कहा आपके पास जो है ना 12-13 दिन भी पड़े हुए हैं, 10 दिन का उसने बोला था, मैंने आपसे ये कहा था कि मैं 12-13 दिन दे देता हूँ। अच्छा अब उसके बाद ये है कि कैसे सेंड करेंगे, आप मुझे ईमेल करेंगे, ठीक है, khalid.ijaz जिस पे आपने वो किया था ना उसका क्विज का ईमेल किया था। यस सर। अच्छा उसके बाद ये जो असाइनमेंट्स हैं इनको आप अपने पास भी सेव करके रखिएगा, ठीक है, कहीं ईमेल से मुझे किसी की ईमेल जो है वो बाज़ोकात बहुत सारी ईमेल इकट्ठी हो जाए ना तो बाज़ोकात कोई ना कोई ईमेल रह जाती है, ठीक है, तो आपके मार्क्स जब अपलोड होते हैं तो फिर आप ये कह सकते हैं सर वो आपने मार्क्स, लेट से कि आप मैंने मार्क्स अपलोड कर दिए और किसी का मैं भूल गया, तो आपके पास असाइनमेंट होगी तो आप मुझे दोबारा मेल कर दीजिएगा ताकि फिर मैं दोबारा मार्क्स अपलोड करूँ, ठीक है ना। मैं भी इंसान हूँ ना, बाज़ोकात वो कर जाता हूँ, कोई समझ मैं भी आंखों से बाजी में नजर नहीं आती बहुत ज्यादा हूँ, तो समझ लगी है ना बात की, तो अपने पास रिकॉर्ड में रखिएगा लाजमी। सर जो आपने मेल किए वन क्विज मार्क हैव बीन अपलोडेड, हाँ जी वो मैंने मार्क्स अपलोड कर दी, वो आपके ना ये ग्रेडिंग पोर्टल है ना उस पे आपके आ जाएंगे, यानी आपका जो पोर्टल है ना स्टूडेंट पोर्टल उस पे आपको शो हो रहे होंगे मार्क्स, ओके सर, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स सर नहीं हो रहे शो, नहीं शो तो हो रहे होंगे लेकिन किसी के जीरो मार्क्स शो हो रहे होंगे, जीरो भी नहीं शो हो रहे सर, नहीं होने चाहिए, अगर नहीं हो रहे तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ और दोबारा आप एक दफा उसको रिफ्रेश करके चेक कर लें, ओके ठीक है, और अगर नहीं होते तो फिर ये आप अपने ना वो IT डिपार्टमेंट है ना उससे कंफर्म कर लें, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे वो अपलोड भी कर दी है और वो शो भी हो रहे हैं, मैं तो देख पा रहा हूँ उनको, ठीक है। चलें अब आते हैं पिछले लेक्चर की तरफ, फंक्शंस की तरफ, जो हम फंक्शंस कर रहे थे, तो ये आपने होपफुली उम्मीद ये है कि लास्ट लेक्चर की जो है वो प्रैक्टिस की होगी, उम्मीद तो यही है,
किस किस स्टूडेंट ने प्रैक्टिस, काफी स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस कर ली है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस की हो? जी सदफ, आपने प्रैक्टिस की थी लास्ट लेक्चर की? नहीं सर, अभी नहीं की। नहीं की तो बस फिर भूल जाओगी, नहीं की ना, इसलिए तो मार्क भी नहीं आते। इरफान अदरीस, इरफान अदरीस, रमीज तारिक, रमीज यस सर, यस सर। प्रैक्टिस की लास्ट लेक्चर की? सर उसके मैंने हाफ की हुई है, वो उसी दिन की थी मैंने, उसके बाद एंड वाली नहीं की बस। अच्छा, ये अमार, अमार मोहम्मद अमार हमारे साथ मौजूद है ना, मोहम्मद अमार? यस सर, मैं मौजूद हूँ, मौजूद, लेकिन सर मैंने नहीं की प्रैक्टिस। सिर्फ फिजिक्स वाले सर ले रहे हैं मिड, तो उनका आज मिड है, इससे नहीं मैंने तैयारी की। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फंक्शंस के एग्जीक्यूशन कैसे होती है, ठीक है। आज जो हम करने जा रहे हैं वो ये करने चाह रहे हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि एक फंक्शन के अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी, ठीक है ना, ये रिटर्न स्टेटमेंट है। और ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या करती है, जो फंक्शन से सॉल्व वैल्यू होती है, यानी वॉल्यूम सॉल्व वैल्यू, उसको रिटर्न कर देती है। किस में रिटर्न कर देती है, इस यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन का जो वेरिएबल असाइन हुआ होता है उसको जो बेसिकली वैल्यू असाइन कर देती है, ठीक है। अच्छा, आज हम करेंगे कि आज हम सीखेंगे कि इस ये जो फंक्शन बना ना डेफ वाला, ये फंक्शन, इसके अंदर मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स भी यूज की जा सकती हैं। जरूरी नहीं कि एक ही रिटर्न स्टेटमेंट, एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट भी यूज हो सकती हैं। तो आज हमने इसको पढ़ने के रिटर्न, एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा एजेंडा हमारा ये है, नंबर वन के मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स या मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज, ठीक है, ये आज का फर्स्ट एजेंडा हमारा ये है। और दूसरा सेकंड एजेंडा जो हमारा मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। और सेकंड एजेंडा हमारे पास ये है कि हम इस फंक्शन जो हमने लिखा है उस फंक्शन के अंदर हम इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और लूप्स, वो भी हम यूज कर सकते हैं। यानी जब फंक्शन हमने लिखा, राइट डाउन किया, उस फंक्शन की डेफिनेशन की बॉडी में हम इफ एल्स स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, एल्स एल इफ भी लगा सकते हैं और डिफरेंट लूप्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा एजेंडा ये है कि हम मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज को कैसे यूज कर सकते हैं और इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे फंक्शन के अंदर लगा सकते हैं। तो ये आपकी बुक में ये जो टॉपिक है ये 5.4 है रिटर्न वैल्यूज का। इसमें ये एक सिंपल फंक्शन बनाया हुआ उसने क्यूब वॉल्यूम का, ठीक है, साइड लेंथ। ये साइड लेंथ बेसिकली आपके पास ये वेरिएबल है, ये आपने पैरामीटर पास करके आया, पैरामीटर कहाँ पास किए, ये देखें यहाँ पे ये क्यूब वॉल्यूम है ना, यहाँ पर आपने पैरामीटर पास किए विच इज 2 और ये साइड लेंथ के अंदर चला गया। अच्छा, ये जो आप फंक्शन कॉल करते वक्त जो पैरामीटर पास करते हैं या जो आर्गुमेंट पास करते हैं, इसको आर्गुमेंट भी बोलते हैं, ये 2 आर्गुमेंट भी है और इसको पैरामीटर भी बोला जाता है। तो जब आप फंक्शन कॉल करते वक्त, यहाँ पर देखें ना, फंक्शन कॉल किया हुआ है, फंक्शन कॉल करने का मतलब ये है कि आप फंक्शन का नाम लिख दें, तो इसका मतलब आपने फंक्शन को क्या कर दिया, कॉल कर दिया। जैसे लेट से आप यूँ कह लें कि 3 दोस्त जो हैं वो होटल में गए हुए, ठीक है, 2 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, तीसरा दोस्त साइड पे बैठा हुआ है, तो अगर तीसरे दोस्त को कॉल करना है तो क्या करेंगे, नाम लेंगे ना। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने पाइथन में फंक्शन को कॉल करना है तो फंक्शन का नाम दे देते हैं, क्यूब वॉल्यूम, ये फंक्शन का नेम होता है। जो डेफ के साथ लिखा जाता है ये फंक्शन का नेम होता है, तो ये नेम आप यहाँ पे लिख दें, यानी फंक्शन को कॉल कर लें और उसके बाद आर्गुमेंट्स होते हैं। जब फंक्शन कॉल करते हैं उसके बाद जो आर्गुमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट्स, उनको क्या बोलते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट्स बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब्दुल साजिद, समय लग गई? यस सर, यस सर। और जो
अच्छा ये एक्चुअल आर्गुमेंट्स हो गए आपके पास। अच्छा और उसके बाद ये आर्गुमेंट कहाँ पे पास हो रहा है, इस वेरिएबल के अंदर, साइड लेंथ के अंदर पास हो रहा है। तो जिस वेरिएबल में ये पास हो रहा है ना, या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि जहाँ ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है उसके वेरिएबल में जहाँ ये पास हो रहा है उस वेरिएबल को हम फॉर्मल आर्गुमेंट्स या फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं। फॉर्मल आर्गुमेंट्स बोलते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट या फॉर्मल पैरामीटर। तो ये एक आर्गुमेंट भी हो सकता है, एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं। एक्चुअल आर्गुमेंट्स भी एक से ज्यादा हो सकते हैं और फॉर्मल आर्गुमेंट भी एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो ये एक्चुअल आर्गुमेंट्स पास करते हैं साइड लेंथ के अंदर तो वो फॉर्मल आर्गुमेंट बन जाता है। उसके बाद फिर ये फंक्शन के बॉडी के अंदर चला जाता है। फंक्शन की वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड लेंथ पावर क्यूब, इसको एग्जीक्यूट करेगा तो पावर ले लेगा, किसकी 2 की पावर ले ली और उसने रिटर्न कर दी वॉल्यूम। तो इसने ये रिटर्न वॉल्यूम जो की वो कहाँ पे रिटर्न कर दी, किस वेरिएबल में, रिजल्ट 1 के अंदर रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब इस ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट, ये भी हो सकता है इसमें एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट हो। जैसे अब आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन है डेफ क्यूब वॉल्यूम साइड लेंथ रिटर्न साइड लेंथ स्टेर, ये तो वो आम फंक्शन जो हमने यूज बना किया है। इसके अंदर हम इफ स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। कैसे, इफ साइड लेंथ इज लेस देन 0, तो इसका मतलब ये है कि अब वैल्यू तो रिटर्न होगी, अगर वैल्यू साइड लेंथ की वैल्यू 0 से लेस होगी तो वो 0 रिटर्न कर देगा। 0 रिटर्न का मतलब ये है कि 0 वैल्यू रिटर्न कर दी उसने। तो ये चीज जो हम फोर्सफुली कर रहे हैं, क्यों फोर्सफुली कर रहे हैं जरा इसको सेंस करें। तो साइड लेंथ यानी साइड जो होती है, जो लेंथ होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो अगर आपने नेगेटिव लेंथ पास कर दी है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे क्यूब वॉल्यूम को -1 कर दी यहाँ पर, तो ये -1 जब इस साइड लेंथ में यहाँ पे जाएगा तो ये इफ वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो रिटर्न क्या कर देगा, 0। यानी आप ये समझ जाएं कि अगर वो 0 रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपने आर्गुमेंट दिया है वो रॉन्ग है, वो आर्गुमेंट सही नहीं है। ठीक हो गया, क्लियर स्टूडेंट? यस सर। पॉइंट्स में भी, अगर पॉइंट्स में भी हो साइड लेंथ तो फिर भी आल्सो होगा ना, पॉइंट्स में हो तो सकती है साइड लेंथ। हाँ, अब ये डिपेंड करती है कि जैसे 0.02 सेंटीमीटर। हाँ, अब ये डिपेंड करती है कि अगर साइड लेंथ लेस से कि किस चीज की है, अगर कोई बॉडी इतनी छोटी है कि उसकी साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर नहीं आ सकती, तो फिर तो आप यहाँ पे लॉजिक बना सकते हैं कि इफ साइड लेंथ इज लेस देन 1 तो फिर आप कह देंगे रिटर्न 0। ठीक है ना, क्लियर हो गया? yes, अगर बॉडी बहुत बड़ी है और उसकी लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकती तो फिर आप यहाँ पे एक लॉजिक बना सकते हैं। तो वो जो लॉजिक आप बना रहे हैं ना, वो डिपेंड कर रही है कि आपकी एप्लीकेशन किस तरीके से है, या दूसरे लफ्जों में कि एप्लीकेशन से मुराद ये है कि आप अपनी लैंग्वेज को अपनी प्रॉब्लम के मुताबिक कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, वो उस पर डिपेंड कर रहे हैं। क्लियर हो गया जी स्टूडेंट, क्लियर ये बात? अच्छा, अब ये सर ठीक हो गया। दूसरा फंक्शन अगर आपने ये बना दिया तो आप अब अगर आपने इस तरह करना है तो अब आप इस प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। एक आप फंक्शन बनाएं जिसमें आप कहें कि साइड लेंथ लेस देन 0, तो अगर लेस देन 0 है तो रिटर्न कर दे 0, और अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो फिर कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर दे। ठीक है, डेफ क्यूब वॉल्यूम साइड लेंथ रिटर्न इफ साइड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न साइड लेंथ और पावर, याद रखें कि आप इस तरह जब रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे ना तो या तो क्या होगा कि वैल्यू नहीं रिटर्न होगी, या फिर वो कहेगा इनकंसिस्टेंट। क्या कहेगा, इनकंसिस्टेंट। एक दो मैंने ट्राई किए तो एरर देता है, इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, तो ये एरर आ जाएगी। ठीक हो गया, क्लियर? तो वो क्यों एरर आया, वो बेसिकली इस आप ये साइड लेंथ पावर क्यूब
पावर ली है ना थ्री की पावर, इसको यहाँ पर क्या करें एक अलग स्टेटमेंट में डिफाइन करें, जैसे C इज इक्वल टू साइड लेंथ ठीक है और क्यूब, पावर का क्यूब, और यहाँ पे रिटर्न करा दें C। समझ लग रही है स्टूडेंट, समझ लगी इस बात की, रिटर्न C, तो फिर वो इनकंसिस्टेंट का एरर नहीं देगा आपको। क्लियर हो गया? ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब आपने दो फंक्शन बना दिए। सर जी रिपीट करें सर। हाँ जी रिपीट करते हैं, ये देखें एक, अब ये कि आपने क्या करना है कि एक क्यूब वॉल्यूम का जो है ना वो प्रोग्राम लिखना है, और इस तरह से लिखना है कि अगर साइड लेंथ लेस देन जीरो हो तो वो कोई वैल्यू रिटर्न ना करे, यानी जीरो वैल्यू रिटर्न कर दे, और अगर साइड लेंथ की वैल्यू जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो या ग्रेटर देन जीरो हो तो फिर वो क्या रिटर्न कर दे, वो रिटर्न कर दे जो प्रॉपर वैल्यू है वो रिटर्न कर दे। तो मैंने यहाँ पे ये फंक्शन बनाया है डेफ क्यूब वॉल्यूम साइड लेंथ, और इफ साइड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब ये देखें इस प्रोग्राम के दो हिस्से, दिस इज नंबर वन, ये कि अगर आप साइड लेंथ माइनस में एंटर कर देंगे जो कि लेस देन जीरो है तो ये वाला हिस्सा रन करेगा ठीक है, और अगर आप कर देंगे ये वाला ग्रेटर देन जीरो तो फिर ये वाला हिस्सा रन करेगा। तो इफ साइड लेंथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के जीरो से बड़ी है तो फिर आप रिटर्न कर दो इस स्टेटमेंट को, लेकिन याद रखें किसको रिटर्न करवाएंगे, यहाँ पे देखें ये स्टेटमेंट लिखे रिटर्न साइड लेंथ पावर की थ्री, थ्री पावर, इस तरह अगर आप लिखेंगे ना रिटर्न के स्टेटमेंट को तो वो कहेगा इनकंसिस्टेंट, यानी कोशिश करें रिटर्न की स्टेटमेंट में रिटर्न के आगे वेरिएबल हो, एरिथमेटिक ऑपरेटर यूज ना हो रहा हो, एरिथमेटिक ऑपरेशंस ना यूज हो रही हो, एरिथमेटिक ऑपरेशंस आप रिटर्न स्टेटमेंट से पहले यूज करवाएं ठीक है। हमेशा कोशिश करें कि जो एरिथमेटिक ऑपरेशंस है वो रिटर्न स्टेटमेंट से पहले यूज होनी चाहिए, जैसे C इज इक्वल टू और साइड लेंथ पावर थ्री, क्लियर हो गया, ये आप यूज करें और रिटर्न में लिखेंगे रिटर्न C बस। क्लियर, इज इट क्लियर, समझ लग गई बच्चों? यस सर, यस सर। अच्छा सर जी बेटा, जी बेटा सर, मेरे नेट का बार बार इशू हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, तो अगर मैं आपको आंसर ना कर पाऊँ ना तो फिर ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं, अगर आंसर नहीं कर पाए अलबत्ता जो वीडियो है वो तो आपके लिए रिकॉर्ड हो ही रही है ना। अच्छा yes, sir. अब इसका जो फ्लो चार्ट बनेगा वो ऐसे बनेगा कि अगर देखें ये इफ स्टेटमेंट आ गई ना यहाँ पे, इफ साइड लेंथ लेस देन जीरो, तो अगर मैं इस पोर्शन का, ये फर्स्ट पोर्शन का अगर मैं फ्लो चार्ट बनाना चाहूँ तो क्या होगा कि साइड चेक, क्या कंडीशन क्या चेक होगी, साइड लेंथ जो वो जीरो से लेस है या नहीं, देखें साइड लेंथ जीरो से लेस है या नहीं ये कंडीशन चेक हो रही है, तो ये वो बॉक्स जो कंडीशन चेक कर रहा था उसमें क्या करते हैं उसको हम इस हेक्सागोनल बॉक्स से या डायमंड से यूज करते हैं ना, शो करते हैं। तो अब ये कंडीशन चेक हो रही है तो दो ही इसके आंसर होंगे, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो अगर ट्रू है वाकई लेस देन जीरो है तो क्या कर दे, रिटर्न जीरो की स्टेटमेंट रीड करेगा ठीक है, और अगर फॉल्स है तो फिर क्या करे, वॉल्यूम ये वाली स्टेटमेंट रन करे और क्या करे, रिटर्न वॉल्यूम, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली ऊपर वाले फ्लो चार्ट बन रहा है। अच्छा इस फ्लो चार्ट में ना एक और चीज भी है कि यहाँ पे बना लें, यहाँ पे एक और कंडीशन चेक हो रही है कि इफ साइड लेंथ इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो ठीक है, ये इस फ्लो चार्ट में ये बॉक्स जो है वो मिसिंग है, जरा इसको भी देखें, ये फर्स्ट और टू को, जब फर्स्ट और टू का आपने फ्लो चार्ट बनाया ना तो कुछ ऐसे बन रहा है फर्स्ट और टू का फ्लो चार्ट, ये पोर्शन वन का फ्लो चार्ट है, अगर पोर्शन वन ट्रू हो जाता है तो जीरो रिटर्न कर देगा, और अगर पोर्शन वन फॉल्स हो जाता है तो पोर्शन टू पे आ जाएगा और फिर क्या रिटर्न कर देगा, रिटर्न वॉल्यूम कर देगा ठीक है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? यस सर। हैव यू गॉट द पॉइंट? ओके, अब इसी लॉजिक को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, और ये प्रोग्राम जो मैंने एक्सरसाइज प्रोग्राम है यही प्रोग्राम मैंने खुद से लिखा है आपको समझाने के लिए, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं उस कंपाइलर पे जा रहा हूँ ठीक है, फिर मैं आपको पहले वहाँ से समझाऊंगा और फिर मैं आपको इसको रन करके भी दिखाऊंगा।
हाँ जी नजर आ रही है ना आपको स्क्रीन शेयर होगी यस सर क्या नजर आ रहा है क्या नजर आ रहा है प्रोग्राम प्रोग्राम लिखा है पाइथन प्रोग्राम अच्छा अब इसमें देखें अब मुझे इसमें ये बताएं स्टूडेंट के फंक्शन को कॉल कहां पर किया हुआ है इस पूरे प्रोग्राम को देखें और बताएं किस लाइन में फंक्शन को कॉल किया हुआ है सर ये 8 नंबर पे किया है टेंथ लाइन सी फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं सर उसका नाम लेके रिटर्न 8 पे भी किया हुआ है 11 पे भी किया हुआ है नहीं क्या वो तो रिटर्न है वो फंक्शन को कॉल तो नहीं किया हुआ फंक्शन को कॉल कहां पर किया हुआ सर वो फिर 14 नंबर पे 13 पे तो कमेंट है फंक्शन को कहां कॉल किया सर 14 नंबर पे किया ऐड किया फिर सर 14 पे किया होगा ठीक किया होगा क्या मतलब क्योंकि ऊपर कमेंट दिया था साथ हमने फंक्शन में लिख दिया नीचे तो कमेंट में अगर ये प्रिंट के नीचे लिख दूं तो फिर का फंक्शन कहां कॉल हो जाएगा लेट्स से ये कमेंट है ना यहां से मैं डिलीट कर देता हूं और ये मैं 16 पे लिख दिया तो अब मार कहां पे फंक्शन कॉल किया मैंने अब बताओ प्रोग्रामिंग है यहाँ पे ख्याल व्याल नहीं चलता चलिए जी मेरा ख्याल है आप बाकी कंफर्म करते हैं सर 14 ही है कंफर्म करके बताओ मुझे भाई मैं तो सर 14 ही है सर 14 ही है क्योंकि वहां पे उसको ऐड करवाने हां जी ये फंक्शन देखें ये फंक्शन को कॉल किया हुआ है ऐड यस सर ठीक है अब आपका जो कंपाइलर जब वो इधर पहुंचेगा res रिजल्ट इज इक्वल टू ये res मैंने लिखा था रिजल्ट के लिए res इज इक्वल टू ये कि res वेरिएबल है ठीक है और इस वेरिएबल में ये जो फंक्शन का जो सॉल्व सोल्यूशन होगा वो इसमें res के अंदर आ जाएगा इज इक्वल टू ऐड ये फंक्शन का नेम है जैसे इस फंक्शन का नेम एग्जीक्यूट होगा एग्जीक्यूशन कहाँ चली जाएगी ऊपर चली जाएगी किसमें ऐड फंक्शन जहाँ बना हुआ है तो यहाँ पर ऐड फंक्शन डिफाइन किया हुआ है वहाँ पर एग्जीक्यूशन चली जाएगी और जैसे एग्जीक्यूशन जाएगी तो ये जो 5 है वो किसको मिल जाएगा वो ए को 5 मिल जाएगा और बी को 3 मिल जाएगा यानी ए वेरिएबल को 5 असाइन हो जाएगा और बी को 3 असाइन हो जाएगा तो ये जो 5,3 है ये कौन से आर्गुमेंट्स हैं ये कहलाते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट्स और ए कॉमा बी कौन से आर्गुमेंट्स हैं ये कहलाते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स देखें इसमें पोजीशन और सीक्वेंस जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपने ए और बी की वैल्यूज यहाँ पे चेंज कर दी तो आपका प्रोग्राम सारा गलत हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा प्रोग्राम तो देखें 5 ए को जा रहा है 3 बी को जा रहा है दीज आर ये बड़ी जरूरी है इन आर्गुमेंट्स को के सीक्वेंस आपने मेंटेन करना है और सीक्वेंस इस तरह से बने कि फर्स्ट आर्गुमेंट जो है कॉलिंग फंक्शन को कॉल करते वक्त वो फर्स्ट फॉर्मल आर्गुमेंट में जा रहा हो यानी फर्स्ट एक्चुअल आर्गुमेंट फर्स्ट फॉर्मल आर्गुमेंट में जा रहा हो और उसके बाद सेकेंड एक्चुअल आर्गुमेंट सेकेंड फॉर्मल आर्गुमेंट में साइन हो रहा हो तो इसको हम बोलते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट्स क्या बोलते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट तो ये दोनों बेसिकली कौन से आर्गुमेंट्स हैं ये पोजिशनल आर्गुमेंट्स हैं ठीक है इसमें सीक्वेंस बड़ी जरूरी है जी सर ये 5 एंड 3 जो है इसको हमने इनपुट का यहाँ पे प्रोग्राम नहीं लिखा हुआ अगर इनपुट देनी है 5 एंड 3 जो लिखा हुआ ऐड वो मैंने नहीं लिखा मैंने ये डायरेक्टली 5 और 3 कर दिया वरना अगर आपने इनपुट देनी है ना यस सर यहाँ पे लिख दें कि वो इनपुट ठीक है ए यस सर यहाँ पे फिर आप लिख दें सी इज इक्वल टू ये कोई और वैल्यू 1 क्लियर हो गया वैल्यू 1 इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द वैल्यू उस तरह और यहाँ पे फिर वेरिएबल्स आ जाएंगे वो जो इनपुट के होंगे यस सर ना वो यहाँ पर आ जाएंगे लेट्स से अभी इसको सिंपल रखें 5 और 3 रखते हैं ठीक है 5 ए में चला जाएगा 3 बी में चला जाएगा क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज जा रहे हैं कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में जा रहे हैं अपने या कॉरिस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट्स में जा रहे हैं
तो लिहाजा ये जो आर्गुमेंट्स कहलाते हैं इनको कहते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट्स, ठीक है। अब ए में चला गया 5 और बी में क्या चला गया, बी में क्या साइन हो गया 3। अब जब उसके बाद जब ये फंक्शन जो है इसमें आर्गुमेंट्स चले जाएंगे तो अब एग्जीक्यूशन जो है वो क्या होगी, इसकी फंक्शन की बॉडी में आ जाएगी, ऐसे ही है ना। और जब फंक्शन की बॉडी में आएगी तो ये देखें इफ स्टेटमेंट लगी है, क्या यूज हुई है, इफ स्टेटमेंट यूज, नजर आ रही है ना इफ स्टेटमेंट। यस सर। ये किसका माइक ऑन है यार, बहुत नॉइज आ रही है। अब्दुल साजिद का सर। अब्दुल साजिद माइक ऑफ करो यार। अच्छा जी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। देखें ये जो कंडीशन इफ की है ये किसके अंदर है, ये इस फंक्शन की बॉडी के अंदर है। तो अगर ए बी से बड़ा है तो क्या कर दो, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो फिर उसका जो आंसर है वो रिटर्न कर दो। अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो फिर क्या करो, ये इफ वाली बॉडी जो है फॉल्स हो जाएगी, इसमें इफ वाली बॉडी में प्रोग्राम नहीं जाएगा, प्रोग्राम जो है वो इफ वाले से बाहर आ जाएगा और एल्स पोर्शन में चला जाएगा, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, ए इज लेस देन बी, तो क्या कर दो रिटर्न 0। तो उस केस में ये जो 0 वैल्यू है ना वो आर एस को मिल जाएगी, कौन सी वैल्यू मिल जाएगी रिटर्न, आर एस को 0 मिल जाएगी। इसको समझ लगी? यस सर। यस सर। फजील अथर, अब्दुल साजिद। यस सर। अब्दुल साजिद समझ आई? यस सर आ गई। ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे बताएं कि 5, 3 दी है तो इसका आउटपुट क्या होगा, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? सर 8 सर जी। 8 आएगा। अच्छा अब मैं ये कर देता हूँ इसको 2, 3, अब मुझे बताएं कि प्रोग्राम कैसे रन करेगा? सर 5 ही आएगा इसका आंसर जो है, ऐड कर देंगे। मुझे इफ वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, जीरो ठीक है, एल्स में चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद रिटर्न 0 करवा देगा फॉल्स, रिटर्न 0। उससे पहले कुछ प्रिंट होगा या नहीं होगा? नो सर। ये 0 रिटर्न करने से पहले कुछ प्रिंट होगा, एल्स एल्स की बॉडी में जाएगा तो कुछ और भी प्रिंट करेगा या नहीं करेगा? सर वो ए इज लेस देन बी करवा रहे हैं ना प्रिंट, ए इज लेस देन बी। ठीक है, ये कौन बोला था नेम स्टूडेंट का जो जिसने? अब्दुल साजिद है सर। अब्दुल साजिद। अब्दुल साजिद। अच्छा अब देखिए मैं रन करता हूं इसको, ए इज लेस देन बी, रिजल्ट ऑफ ऐड फंक्शन इज 0। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप जो है रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट यूज करवा सकते हैं। ठीक हो गया, इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा अब ये भी हो सकता है कि क्या ए और बी बराबर हो जाएं? ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं कहता हूँ अगर ए और बी बराबर हो जाएं, ठीक हो गया, तो अगर ए और बी बराबर हो जाएं तो वो प्रिंट कर दे कि ये ए इक्वल्स टू बी, क्लियर, और उसके बाद वो कह दे कि आंसर भी शो कर दे, 3-3 ये बराबर हो गए तो शो कर दे प्रिंट ए इज इक्वल टू बी और आंसर भी जो है वो शो कर दे कि 6 उसका आंसर भी आ जाए। प्रोग्राम लिख सकते हैं इस तरीके से कुछ? जी स्टूडेंट। यस सर। कैसे लिखा जाएगा, कोई आइडिया है सर? ऊपर क्या नाम है सर, अगर हमारे ए इज इक्वल टू बी कर देंगे? नहीं मैं कहता हूँ ये भी रहने दो ना। यस सर ये भी रहने दो, इसमें इफ सर एक और इफ लगा ले इसमें, इफ रिटर्न सी के बाद लगा लूँ एक और इफ सर, रिटर्न यस सर इसके बाद एक और वो इफ लगेगा या एल इफ लगेगा सर? इफ सर इसमें एलिफ भी लग सकता है, भी लग सकते सर, एल इफ लगा लें, चलें एल इफ ए
equals to सर हम ऐसे भी कर सकते हैं अगर if मैंने लिखा मतलब a greater than b और या a greater than equal to b हो जाए. अच्छा greater than equals to b. a greater than ऊपर इसके equals to b. ठीक है सर. फिर वो ये तो नहीं बताएगा कि a equal to b. हाँ फिर ये तो नहीं बताएगा ना कि a is equal to b है. ठीक है a is equal to b है तो वो कह दे कि हम equals हैं और वो ठीक है. लिहाजा इसका मतलब यह कि या तो एक और एल इफ आपको यूज करना पड़ेगा लेकिन वो नया एल इफ जो होगा वो इसकी बॉडी में नहीं होगा. ठीक है वो अलग से यूज करेंगे इफ की बॉडी में नहीं होगा. लेट्स से इफ यूज करेंगे. हाँ इफ भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल सही कहा. यस सर इफ भी यूज कर सकते हैं आप. ठीक है लेकिन फिर वो इस इफ की बॉडी में यूज नहीं करेंगे. ठीक है फंक्शन की बॉडी में तो आएगा इफ करके देखते हैं. a is equal to b फिर ये स्टेटमेंट c is equal to a plus b और एंटर और फिर रिटर्न c. ठीक है और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं प्रिंट a इक्वल्स टू b. चलें रन करके देखते हैं. अब 2,3 है 3,3 करके देखते हैं. अब देखें क्या आ गया ना ये नजर आ रहा 3,3. अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया इफ के बाद एक और इफ यूज कर दिया और फिर एल्स यूज कर दिया. समय लग गई बात की. यस सर. तो इस तरह प्रोग्राम आप फंक्शन के अंदर भी इफ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं और हर तरह के ऑपरेशन जो पहले आपने पढ़ी है जिसमें मैथमेटिकल अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं इसके अलावा इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट्स हैं और लूप्स हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं इस फंक्शन की बॉडी के अंदर. समझ लगी बात की. क्लियर. यस सर क्लियर. अब आपने क्या एक्सरसाइज में क्या प्रोग्राम मुझे लिख कर देना है. आपने लिखे प्रोग्राम लिखें जी. राइट ए फंक्शन. हेलो. यस सर. ये आवाज आ रही है. हाँ जी. यस सर. लिखें राइट क्वेश्चन. लिखें राइट ए प्रोग्राम. राइट ए प्रोग्राम. राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द क्यूब टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर. राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर. ठीक है. Write a program to find the volume of a sphere. All the parameters should be positive numbers. दे दे करो तेरा बंदा सोंकारी लेना. All the parameters should be positive numbers. तो इसमें देख शो करवाएं कि अगर आपकी साइड लेंथ जीरो हो जाए तो वो शो कर दे कि साइड लेंथ जीरो है और रिटर्न जीरो कर दे. और अगर साइड लेंथ नेगेटिव है तो शो करें कि आपके पास ये रॉन्ग इनपुट दिया आपने. और अगर पॉजिटिव है तो उसके लिए आंसर शो कर दे. समझ लगी बात. हाँ तो मैं तो लिखवा रहा हूँ ना. ये तो मैं लिखवा रहा हूँ कि राइट ए प्रोग्राम. सुन नहीं रहते. मैं कह रहा हूँ एक्सरसाइज के लिए प्रोग्राम लिखें. राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड. राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर in such a manner that if all the parameters of the sphere are positive then it will show the result. Otherwise it will print the value or otherwise it will print the arguments are wrong. Otherwise it will print the arguments are wrong. Samajh lagi bachcho. जी स्टूडेंट.
जी स्टूडेंट, रिस्पांस कोई नहीं आ रहा मुझे। लिख लिया सर? यस सर लिख लिया। यस सर। यस सर लिख लिया। ठीक है, तो अब जो है ना आपने ये प्रोग्राम लिखने और फंक्शन का प्रोग्राम यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर हम करेंगे। आपके जो क्विज है ना, सॉरी टू से, वो बहुत ही कोई बुरे किस्म की क्विज दी है आपने। क्विज नंबर वन आपका, आप मार्क्स देखें तो जी मेरे 7 है पहले क्विज में। हाँ तो कितने कम हो सकता है जी पहले क्विज में सर? पहला क्विज था, आहिस्ता आहिस्ते समझ लगेगी अब सर, वो पहला क्विज था हमारा वो। चलो मेहनत करो क्योंकि सर भी अच्छे हैं इंकरेजमेंट के लिए, लेकिन कोशिश करना था क्योंकि उस वक्त हम जो है ना बहुत स्लो स्लो चल रहे थे जी। सर मेहनत करो, इंशाल्लाह उम्मीद है पहले से बेहतर होगा। यस सर इंशाल्लाह। जी जी, कोई और स्टूडेंट मेरे ख्याल में, कौन बात कर रहा था? सर मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, राय अली बास जी। सर आप अगर हमें फेवर दे दे के 3 क्विज ले लें और बेस्ट ऑफ 3 उनमें से सिलेक्ट कर लें, ऐसे हो जाएगा? स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में बेस्ट का जो लफ्ज है वो खत्म हो चुका है क्विज के लिहाज से, और वो अब एवरेज लिया जाता है। ठीक है, ये पॉलिसी में खत्म हो चुका है कि हम बेस्ट लेंगे। हम बेस्ट नहीं लेंगे, हम एवरेज लेंगे। दिस इज द पॉलिसी। ये असेसमेंट डीएस के कितने मार्क्स हैं? असेसमेंट के कितने मार्क्स? अच्छा, सेशनल जो है ना वो आपका 50 मार्क्स का है, और 50 मार्क्स का फिर आपका फाइनल है। अब जो सेशनल 50 मार्क्स का है ना, उसमें आपके पास क्विजेस भी हैं, असाइनमेंट्स भी हैं। 4 क्विजेस होंगे, 2 असाइनमेंट्स होंगे। सर ये जो अभी आपने प्रोग्राम लिखवाया, इसको हमने खुद तैयार करना है, आपको सेंड भी करना? हाँ जी, ये तैयार करके सेंड कर लें, बट दिस इज नॉट द असाइनमेंट, ये एक्सरसाइज है। ठीक है, आप इसको करें और उसके बाद इसको परफॉर्म करें, और उसके बाद फिर इसका स्नैपशॉट वगैरह क्रिएट करके मुझे कर दें। वैसे आज तक आपने कोई भी होमवर्क जो है ना वो किसी स्टूडेंट ने मुझे चेक नहीं करवाया, इसी वजह से इसका मतलब ये है कि आप कर नहीं रहे, और वो क्विज में आपके नंबर भी जो है वो अच्छे नहीं लगे। और नहीं सर जी, मैंने करके मेरे पास पड़े हुए, मुझे पाइथन के अंदर मैं सॉल्व करता हूं, मुझे सेव नहीं करने आते सारे मेरे पास पड़े हुए हैं। कई बार जब लैपटॉप शटडाउन हो जाता है वो वैसे ही डिलीट हो जाते हैं। कुछ अभी मेरे पास पड़े भी हैं जो लैब 6 के अंदर हमें सर ने दिए थे, वो भी मैंने चारों के चारों प्रोग्राम किए हैं, वैसे ही पड़े, मुझे सेव नहीं करने आते, वैसे ही पड़े मैंने किए सारे हुए हैं वो। नो सेव क्यों नहीं कर पा रहे, क्या वजह है? सर पता नहीं, मैं सेव करता हूं उसको मुझे मिलते नहीं। मैंने काफी लड़कों से, शिवार से भी और 2-3 लड़कों से भी पूछने बताया, लेकिन वो गायब हो जाते हैं मेरे से। तो मेरे पास वैसे ही पड़े, मैं लैपटॉप शटडाउन ही नहीं करता अपना, वो वैसे ही पड़े हैं। नहीं ऐसा, अगर मैं बात तो सुनो ना, हमारे ये बताओ कि कौन से कहां पे प्रोग्राम कहां पे लिख रहे हो? सर मैं पाइथन 3 में एनाकोंडा में। एनाकोंडा में जुपिटर नोटबुक पे कर रहे हो? जी सर। अच्छा, जुपिटर नोटबुक के ऊपर देखो फाइल की ऑप्शन आती है ना? जी जी आती है लेफ्ट साइड पे। अभी आपके पास ओपन है उसमें सेव? नहीं सर, मेरा लैपटॉप होस्टल है, मैं फैसलाबाद आया हूं, एक इमरजेंसी हो गई थी, मैं रात ही आया, मैंने अभी थोड़ी देर में वापस चले जाना है। अच्छा, वहां पे सेव एज लिखा होता है ना, वहां पे सेव एज में ऑप्शन जब आप क्लिक करेंगे ना तो वो आपको पूछेगा कहां पे सेव करनी है। जी सर। ओके, तो वो वहां पे सेव कर देता है। क्लियर हो गया? नहीं तो फिर ऐसे दोबारा मिलते नहीं, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमें पता नहीं चलता कहां पे किए सेव हमने। यार वो अजीब सी बात है, आप सेव करते हो आपको नहीं पता होता आप किस डायरेक्टरी में सेव कर रहे हो। लेट्स से मैं यहां पे एक मिनट ठहरें, मैं पाइथन ओपन करता हूं अपना। ओके सर। यार ये कोई अजीब सी बात कर दी यार आप लोगों ने, तो इतना आसान बच्चों वाला काम भी नहीं हो रहा सर। वो अपने जिस नेम से वो जिस डेट का किया उस डेट के हिसाब से सेव करें मिल जाता है फाइल से इस जगह। तो मैंने वहीं पे लिखा था पाइथन फुल में फाइल में पड़ा होता है, ये आसान काम, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं मुझे इसमें नहीं मिला। बाकी मैं हर चीज जो रखता हूं यार, सेव एज करने से पहले आप लैपटॉप भी चला रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा। सेव एज करने से पहले लोकेशन पूछता है सर भाई, वो आपसे पूछेगा। ये तो मैं कह रहा हूं डायरेक्टरी पूछता है। ये देखो, ये जब आप जुपिटर नोटबुक ओपन करते हो इस तरह का आता है ना आपके पास, आता है या नहीं आता? यस सर आता है। सर मेल सेव होता है खैर। लेट्स से मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे ना न्यू में चला जाता हूँ। ठीक है, न्यू फाइल आ गई। ठीक है, पाइथन 3 न्यू फाइल मैंने ओपन कर दी। जी सर कर दी। पहली बात तो ये है कि आप ऐसा क्या करें कि जब ये देखें, ये मैं क्लोज करता हूँ, ये होम पेज आता है, इसमें डेस्कटॉप ये ला रहा है, तो आप डेस्कटॉप पे क्लिक करें, डेस्कटॉप पे सेव होंगी। ठीक है, डेस्कटॉप पे जाएं और यहाँ से न्यू पाइथन 3। ठीक है, अब पाइथन 3 में यहाँ पे लेट्स से कोई प्रोग्राम आपने लिखा, ए इज इक्वल टू 3। ठीक है, लिखने के बाद आपने इसको रन कर लिया।
ठीक है, यहाँ पर रन करने ए की वैल्यू दे दें, रन करें सेल को भी। अब यहाँ पे ये देखें, ये फाइल में जाएं, नजर आ रहा है ना फाइल में? जी सर आ रहा है। सेव एस पे क्लिक करें, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में सेव हो रहा है। यहाँ पे कोई नाम लिख दें, फर्स्ट प्रोग्राम, कितना आसान है फर्स्ट प्रोग्राम। क्लियर, सेव, क्लियर हो गया, सेव हो गया। अब ठीक है, यस सर। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, डिलीट नहीं। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में जाता हूँ, क्लिक किया और डेस्कटॉप में मैंने फर्स्ट प्रोग्राम ये देखें ये लिखा हुआ है यहाँ पे। जी सर। और अगर वैसे आपने देखना है तो एक मिनट में स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ, तो आपने जहाँ पे किया हुआ ना आपको नजर आ रहा होगा। ये मैं अच्छा सर, एक क्वेश्चन है था आपसे। एक मिनट ठहरो बच्चे, मैं जरा वो पावर पॉइंट स्लाइड में वो ताकि इनको दिखा दूं ना प्रोग्राम कैसे सेव होता है। अब अच्छा, शेयर स्क्रीन, डेस्कटॉप, 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 डेस्कटॉप जो है वो कैसे शेयर होगा? सर उसमें ज़ूम में नहीं ऑप्शन आता डेस्कटॉप शेयर का? डेस्कटॉप का ऑप्शन नहीं आ रहा, बिल्कुल डेस्कटॉप का ऑप्शन नहीं आ रहा। बहरहाल वो मैंने आपको उसमें जुपिटर नोटबुक में बता दिया कि डेस्कटॉप के अंदर वो फाइल बन जाती है। ठीक है, जो आपने मार्क्स अपलोड किए हैं, ये क्विज जो हमारा यूनिवर्सिटी में हुआ था, वो जो ऑनलाइन हुआ था वो है? नहीं, ये क्विज नंबर 1 है जो यूनिवर्सिटी में हुआ था। क्विज नंबर 2 भी इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर मैं चेक करके आपको मार्क्स अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। अल्लाह खैर करे सर। तो तुम्हारे कितने नंबर हैं दानिश? सर जी एक नंबर आया है, मैं खुद बड़ा परेशान हूँ। सर जी मेरे 5 आए हैं, अपने कैसे थोड़े आए हैं सर। तो गलतियां की हैं ना तो आए हैं, वरना मुझे तो किसी से जाती दुश्मनी तो नहीं है। सर जी आईएएस मेरे कैसे शिवार की गए हैं 8.5 अभी तक जो मुझे पता लगे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छा होगा। ये दूसरा अच्छा हुआ था, पहला थोड़ा सा वो भी पहला तो नर्वस था। इंशाल्लाह सर नेक्स्ट टाइम अच्छा होगा। चलें ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ सेक्शन। आप इसकी ये आज मैंने इसलिए कम पढ़ाया क्योंकि आपने पिछला जो है ना वो रिवाइज नहीं किया हुआ था। नेक्स्ट टाइम मिड की वजह से नहीं, बस किया था क्योंकि आज मिड है, 4 चैप्टर्स का बस वो तैयार कर रहे थे, इस वजह से मेरे से नहीं हुआ। और फिर मुझे इमरजेंसी होगी, मुझे फैसलाबाद आना पड़ गया। चलें ठीक है, कोई एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडेस लेक्चर? नो सर। नहीं, चलें मैं सेक्शन फिर एंड कर रहा हूं। ठीक है, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।